वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरदिशि गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो अंगश्यामलिं छटाभिरमितो मन्दीकृतेन्द्रीवरम् वृंदारण्य निवासिनम् विलसत्तामाभिरामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितम् ध्यायेम् तवैवास्मि तवैवास्मि न जिगामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे अभी पूज्य पात्र बेकुम महाराज जी ने जो सिद्धांत की बात कही उसको थोड़ा सा मैं बतला करके तब फिर आगे बढ़ूंगा। उन्होंने कहा कि एकम एव अद्वितीय और एको बहुश्याम, ऐसे हमारे वेदों में उपनिषदों में वेदांत सूत्र इत्यादि में कहा गया है। एकम एव अद्वितीय, एक ही है किंतु अद्वितीय है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वस्तु केवल एक ही है, एक में ये सारा विश्व है, सारा परमार्थ जगत है। एक का यहां मतलब है अद्वितीय का, ये अद्वितीय योद्धा है। अद्वितीय माने इनके समान है बहुत, किंतु इनके बराबर कोई नहीं। असमोर्थ तत्व, असम कृष्ण के समान दूसरा कोई नहीं है। दूसरा कब होता है? जबकि स्वतंत्र उसकी सत्ता हो। कृष्ण के अतिरिक्त ये सारे चीज जगत और विश्व जगत में किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, तब उसमें भेद होता है। किंतु कृष्ण की सत्ता से ही सबकी सत्ता है। कृष्ण के जितने अवतार हैं, उनके प्रकाश हैं, कोटि कोटि जीव हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं, किंतु इनमें से कृष्ण के बराबर कोई नहीं है, उनसे अधिक की तो कोई प्यार नहीं, इसलिए अद्वितीय कहा जाता। जैसे कहा जाए तो जब आत्रिकम महाराज जी अद्वितीय वक्ता है, अरे वक्ता बहुत हैं, किंतु इनके समान वक्ता नहीं, ये समझो। इसलिए एकम एव परम तत्त्वम स्वभाविका अचिंत सत्या स्वरूप तद्रूप वैभव जीव एवं प्रधान रूपेण चतुर्थावतिष्ठते। एक ही कृष्ण पुरुष हैं। एकम एव परम तत्त्वम स्वभाविका अचिंत शक्ति के द्वारा चार रूपों में नित्य प्रकाशित हैं कृष्ण ही। और कौन? स्वरूप स्वयं कृष्ण, स्वयं रूप तद्रूप वैभव, उनके प्रकाश और अवतार सभी तद्रूप वैभव, और कोटि कोटि जीव और प्रधान, ये जगत को प्रकाशित करने वाली माया जिसे जगत प्रकाशित हुआ है। ऐसा एक ही तत्व है, दो तत्व नहीं, इसलिए कृष्ण के बराबर कोई नहीं है। स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वंदे प्रभु, स्वतंत्र सत्ता नहीं है कृष्ण के सत्ता ऊपर में सत्ता है। ये अनंत कोटि जीव है, जीव के सत्ता के कृष्ण की सत्ता के अतिरिक्त इनकी पृथक सत्ता नहीं है, माया की भी पृथक सत्ता नहीं है, किसी की भी सत्ता से, इसलिए कृष्ण एकम एव अद्वितीय, उनके समान और कोई दूसरा नहीं। राधा जी की भी पृथक सत्ता नहीं है, सब उसी में है, किंतु राधा जी के बिना कृष्ण की सत्ता भी कुछ नहीं। जीरो, ऐसा भी समझ लो, राधा जी नहीं रहेंगी तो कृष्ण नाम की कोई चीज ही नहीं रह सकती।
इसलिए वहाँ पर अचिंतन भेदाभेद महाराज जी का है, वो परम सत्य है। महाराज जी ने व्यक्त किया, ये सिद्धांत हमारे गौड़ीय वैष्णवों का है। बहुत कैन यू स्पीक, बोलिए तो समझ कर। ओम ज्ञान ज्ञान जन of Krishna, so it is called one.
in number one, but in existence one, because they don't have any independent entity. So this is the most important thing to understand. Oh, Prabhu, zero, without Srimati Radhika. Now, Pujya Pada Trivikram Maharaj is saying, similarly, Radha Rani is also subordinate to Krishna. She is also from Krishna and she is not independent of Krishna. As per the principle, it's like this, and of course it is like this. Again, Maharaj is saying, of course it is like this, but without Radha Rani, Krishna is also zero. He is Nirvishesha Brahma. कब हम लोगों ने श्रीमती राधिका जी के स्वरूप के संबंध में हमने बताया? आज शाम को भी फिर जितेंद्र वक्ता लोग उसके संबंध में बतलाएंगे। अब थोड़ा समय राधिका जी के संबंध में दो चार बातें बतला रहा हूं। कैसी ये गुरु तत्व हैं कि जब ब्रह्म रुद्र सुपनारद भीष्म मुखई रालक्षितो नशा साधु सरसदस्य शब्द वशीकरण चूर्णानंद सत्यम तंग राधिका चरण रेणुम अंश। जब ब्रह्म या ब्रह्मा रुद्र शुक सनातन भीष्म जितने हैं शशांक सस्य तस्य कृष्ण के दर्शन की तो बात क्या, उनके जो अंश के कला है उन्हीं का दर्शन नहीं कर पाते ये सभी लोग, और की तो बात क्या। तो देखो, एक ऐसी शक्ति है, चूर्ण है। क्या चूर्ण है? यदि कृष्ण को यदि पता चल जाए ये राधिका जी की आश्रिता है, सुनते ही वशीभूत हो जाएंगे। चूर्ण अनंत शक्ति, राधिका जी के चरण की धूलि में ऐसी अनंत शक्ति है जो कृष्ण को चुंबक की तरह में वशीभूत कर देती है। वशीभूत कर देते वशीभूत कर देते चूर्णमानंत शक्ति। श्रीमती राधिका के चरणों में ऐसी शक्ति है, यदि उनके चरणों की धूलि की यदि वंदना स्तुति और आश्रय किया जाए तो कृष्ण को वशीभूत करना बहुत ही सहज, सब चुटकी बजाते ही उनको वशीभूत कर लेना। ओहो, ये श्रीमती हमारी जो आराध्या देवी है श्रीमती राधिका जी, जिसके मैं राधा कुंड में तीन बार स्नान करके और उनकी आराधना करता हूँ, नाम कीर्तन करता हूँ, उनका मंत्र राम राधा नमः उनके मंत्र को जपता हूँ, तो जरूर पत्रिता कर उसके वशीभूत हो जाते हैं। जैसे कदा विवसना चलो खेलो नोत्थ धन्या धन्य पौनी कृतार्थमानी योगेन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनो भी तस्या नमस्त विषभान भूवो। ओ श्रीमती राधिका की तो बात क्या, वो जिधर खड़ी है बहुत दूर से उस दिशा को मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों प्रणाम करता हूँ? यस्या कदापि वसनानि चलो खेल कुंड के एक तरफ में श्रीमती राधिका जी मानती हुई बैठी हुई है, और जो पवन धीर समीर उनके वसन के अंचल से स्पर्श करके धन्य अति धन्य बन गया। क्यों? उनके अंग की तो बात क्या, अंचल से ही उसमें सारी सुगंध भर गई जो कोटि कोटि पुष्पों के द्वारा नहीं होगी, और वह पवन धन्यमान हो करके और तब कहां गया, कृष्ण को स्पर्श कर दिया। तो कृष्ण ने कहा कि आज मैं कृतार्थ हो गया, आज मैं कृतार्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ मानी जो जोगेन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनों की तस्या नमस्त विश्वास। इसलिए मैं राधिका जी के उस दिशा को प्रणाम करता हूं। यह राधा जी साधारण तत्व नहीं है।
वर्षी करान्यपतितम खलितम शिखंडम भ्रष्टं च पीतवर्णम प्रजराज सोनो यस्या कटाक्ष सर्भात विमुच्य तस्य तं राधिका चरण रेणुम परिचरामि कदाचित्। ऐसे श्रीमती राधिका जी की मैं परिचर्चा कब करूं करने में समर्थ हूं। राधिका जी हमारे ऊपर में कृपा करे कौन। अरे जिनके कटाक्ष से हाथ से बंसी फिसल करके गिर गई, मोर मुकुट गिर पड़ा और स्वयं मूर्छित होकर के गिर पड़े, ऐसे राधिका जी कि कब हम, ये कौन कह रहा है, हम लोगों के गुरु जी के गुरु जी के गुरु बहुधानंद गोपाल भट्ट के गुरु और की तो बात क्या, ऐसे लोग प्रार्थना करते हैं। क्या हुआ उनको, और ये वो गोपाल भट्ट को कहा जाती है, उनको कहा जाता है तुम विद्या जी ऐसी प्रार्थना करके देखा। राधा जी की महिमा, राधा जी की महिमा था कृष्ण अपने जैसे नाविक अपना बांस लेकर के देखता है ये पानी कितना है, था लगाता है, कृष्ण था नहीं लगा सके, अंत में कहा जैसे अपनी करुणा करके अपना भाव और अपना रूप दे दीजिए जो मैं जरा था लग तो लगाऊं। ऐसी राधिका जी की महिमा है, राधिका जी को महिमा समझने के लिए उनका प्रेम कैसा है जो हमको वशीभूत कर देता है, इसलिए वो क्या हो गए, उनका भाव और कांति लेकर के सचिनंदन बने, तब कुछ कुछ था लगा सके। तो अभी राधा जी उनके साथ में रही गदाधर पर था नहीं मिलता तो वो थोड़ा सा सहायता कर देती थी। हाँ, राधा जी आप प्रणय महिमा के महाराज धन्य स्मरण कर, ये कृष्ण को पता ही नहीं है राधा जी की प्रणय महिमा कैसी है, उनको हमें देख करके कैसा सुख होता है, ये उनको पता ही नहीं ये तीन चीज है। तो इसलिए सचिन अंदर हुई राधा जी की ऐसी महिमा है कि उनकी सहेली विशाखा जी उनके स्कूल में गए, ये कृष्ण स्वयं, और जाकर के स्कूल में कहां पर गोदावरी के तट पर उनके स्कूल में पढ़े और पढ़ करके भाव लेने से ही नहीं उनको आया, तब उनकी सखी ने उनको समझा करके पढ़ाया लिखाया, तब राधा या प्रणय महिमा कितनी सो वाह नहीं वाह अश्वा उन्हें अद्भुत मधुरिमा, उनके प्रणय के भाव कैसे हैं राधा, और उनकी माधुरिमा कृष्ण की माधुरिमा कैसी है जिसको सुनने से एकदम पागलनी हो जाती है, उन्मत्त हो जाती है, प्रेम में विरह में अत्यंत कातर हो जाती है, और उनके ये सब आस्वादन करके उनको कैसा सुख होता है, ये कृष्ण को ये सब पता नहीं। तो उनसे लिए उन्होंने राधा जी का विशाखा जी का ललिता इत्यादि का आश्रय, विशाखा जी कौन स्वरूप नाम होता रायमन, और ललिता जी है बिना इनके दोनों के कंधे पर हाथ रखे इनका कोई काम नहीं चलता था, यदि गंभीरा में भी है तभी दोनों के दोनों इनके भावों को पतला करके और आगे ले जाती है। राधा जी की ऐसी महिमा है, जत किंकरीज बहुस खलुकाक वाणी नित्यम परस्य शिखंड मौले जस्या कदार्थ मिले विश्वान जाया जत के कुंज भवन अंकन माध्य दिशा। ओ राधा जी की जहां पर केली कुंज है उसमें झाड़ू देने के लिए उस झाड़ू की एक सलाका यदि बन जाऊं, मैं ये नहीं चाहता हूं, अधिक नहीं चाहता, कोई सखी नहीं बनना चाहता, राधा जी की परिचर्चा करने वाली नहीं बनना, मैं उसे झाड़ू की एक सलाका बन जाऊं, एक झाड़ू का एक काठी बन जाऊं, जैसे कि ये सखियां महाकुंज में झाड़ू देती हैं। क्यों, अरे राधा जी की महिमा तो बहुत अधिक है, कृष्ण हाथ जोड़ करके काठू माचू कर रहे जरा जाने दो हमको, और वो लेकर के वहां नहीं जाने दे निकाले, और हाथ जोड़ करके किसको कह रहे, रूप मंजरी रति मंजरी सबको कह रहे, उनकी दासियों को कह रहे हमको थोड़ा सा मिल ले दो, और वो कहती है नहीं, राधा जी के कृपा के पल पर ये कह रहे कृष्ण को काले क्या क्या न देने क्या करती है, थूक कर लंपट चूड़ा मनी इत्यादि कर करके उनको वहां से भगा देती है, और वो हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। ऐसे जो श्रीमती राधिका जी की महिमा है,
कृष्ण स्वयं कहते हैं न पारे हम निर्बद्ध संजुचा प्रसाद कृत्या विभुजाज साहब मां भजन दुर्जर गृह शंख श्रृंखला संपिष्ट तद वह प्रतिशत कृष्ण स्वयं कहते हैं मैं तुम्हारा ऋण से कभी भी ऋण नहीं हो सकता क्यों ऋण हो जाओ सब लोग तो ऋण हो गए इसलिए तुम वही मांगेगी कि आपकी सेवा मिले फिर मैं तुम्हारा ऋण ही रह जाऊंगा मैं ऋण नहीं बन सकता और मैं बहुनिष्ठ हूं हमारे बहुत हैं मैं किसी को मैया को छोड़ू ना बाप को छोड़ू ना सखाओं को छोड़ू ना कौन से भक्त को छोड़ू मैं तो किसी को छोड़ नहीं सकता और तुम लोग क्या है एक निष्ठ पति भाई सबको छोड़ छाड़ करके इसलिए तुम्हारा ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता कृष्ण स्वयं कहते हैं इसलिए राधिका जी की महिमा कैसी है इसलिए राधा जी का आश्चर्य चरणों का करें वो हम लोगों पर कृपा करें जैसे उनकी महिमा को हम लोग समझ सके गौ प्रमाणे Hare Krishna. How uninterrupted flow comes from the mouth, lotus mouth of Maharaj when he glorifies Radharani in three levels. Radharani, Durhuta, inconceivable book, absolute truth, very difficult to understand, very, very advanced and exalted Mahajan, like Brahma, Rudra, Shuk, Sana, four Kumaras. They also could not understand. It's very difficult to understand. But there is one chun. I understand here chun means a powder. In fact, chun means a powder. There is a special kind of powder. If one takes shelter of that powder, what is that powder? Raj of Radharani's lotus feet. If someone takes shelter of that chur, then he will get fortunate enough. Why? If that Raj, he prays to that Raj, he takes shelter of that Raj, then Krishna becomes controlled by him. Any devotee who takes shelter of Radharani's Raj of Radharani's lotus feet, then Krishna became controlled by him. How it is possible that Krishna is becoming controlled by him? Then Maharaj is quoting so many verses. Krishna himself, when he sees, oh look at this devotee. He is taking shelter of that Raj, that churn, that powder, for which I aspire. He is taking shelter of Radharani's Raj. And who is Radharani? Of whose name I chant. I take bath in Radhakund three times and then chant her name to receive and get her mercy. And this devotee is taking shelter of his dust, her dust. So, Krishna gets controlled by her. Maharaj is explaining the state of Krishna in front of Radharani. His feelings for Radharani. Radharani is in sulky mood. She has adopted man. She is sitting and at that time there is very, very cool breeze. It comes and touches the anchal of Radharani. Veil of Radharani. And that air, that wind, that breeze says, I am so much fortunate. I got today such a high class of fortune. Why? Just by touching that veil, she became fragranted. And that breeze, then it comes slowly and touches Krishna. Krishna feels himself most fortunate. What to speak of having meeting with Radharani? But Krishna then has only a touch of that air, that wind, that breeze, which is coming after touching Radharani's veil. Krishna feels himself obliged. So, if someone takes shelter of churn and
the speech, Krishna is automatically controlled by him. Then, what is the state of Krishna in front of Radharani? Just when she gives her slight, sidelong glance, katash, to Krishna, Krishna becomes uncontrolled. He totally goes out of his own control. His flute falls down. His doshala falls down. And he himself becomes unconscious. This is the state of Krishna. When he sees the katash of Radharani, Krishna is trying to find out. He wants to fathom the bhava of Radharani. Maharaj is explaining that if you go and want to see how deep is the water, you put very long stick or bamboo, then you can find. And similarly, Krishna is trying to find the, and he wants to fathom the depth of Radharani's glorious love, but he can't find out. Then he is trying his level best, what to do and what not to do. Then he comes to Radharani and becomes beggar in front of her and begs her bhav himself and her complexion, and then he adopts the form of Chaitanya Mahaprabhu. Still he is unable to do it. Then he goes and takes shelter of her very nearer and dearer Sakhi, Vishakha, at the bank of Gomati, Godavari. And then there he learns what the death of Radharani is good and how. He comes to Samrup Damodar, Lalita Sakhi, and tries to know the death of that Bhav. And Maharaj is saying that still he fails. He does not get it in absolute point of view. And Gadadhar Pandit, Radharani is another form. He is prompting, he is trying to persuade and tell her to Mahaprabhu what is the extent of Radharani's bhav. He comes here. He says, I want to fathom the Radharani's mood. So he adopted the form of Chaitanya Mahaprabhu. How come it is so that when Radharani sees Krishna and she becomes so much intoxicated, high class of intoxication, what is the beauty of Krishna? It is very unknowable to Krishna himself. Krishna himself does not know that beauty. He wanted to know his own beauty. And Radharani loves him so much. When he sees his beauty, when she sees his beauty, Krishna's beauty, what type of enjoyment and pleasure she gets? All these three things are a big question in front of Krishna, and he wants to get solution of those questions. That is why he has come as Chaitanya Mahaprabhu. Why? The extent of prayer, even meher by Prabodhanand Pal, Saraswati Pal. Who is he? These all prayers which Maharaj is reciting are prayed by Prabodhanand Saraswati Pal. He is guru of Gopal Bhatt Goswami. He is Tung Vidya in Krishna's pastime. That is why such a high class prayers are performed by her, by him. He says, had it been possible that I just become one stick of the broom which is being used in Kunj, Keli Kunj of Radharani to clean, to clean that Kunj. If had it been possible. Why? Because that dust is so much powerful. How much powerful? That Radharani is Sakhi. Her Dasi, her servant Sakhi, she is so much powerful. With the strength of Radharani, she takes the strength of strength from Radharani, and then she can chastise Krishna. Krishna is begging in front of those Sakhis, please, let me and allow all arrange a meeting with Radharani. And they are saying, oh, you rascal, oh, you dhoot. How come they are saying? With the potency of Radharani. This is the extent of Radharani. Krishna himself says, I cannot pay the debt. The love you are giving to me, I cannot repay it back. Why? Because if I ask that I want to pay it back, take something from me, then you will again say, I want to serve you. And again, I will be more
have to see them, look after them. I cannot leave them. But you all are Agnes. You have got one-pointed love only. You have given up all the things. You don't have any person to whom you are giving your heart or love. You have given up very, very tight chains of homely affection and attachments. So I cannot pay your debt. ये तो हुआ ऑब्जेक्ट हमारा क्या एम एंड ऑब्जेक्ट हमारा प्रयोजन हुआ भैया इस प्रयोजन को पाने के लिए साधन भी इतना कठोर होगा इसलिए उपदेशामृत के जितने साधन बतलाए गए हैं वो करो आज उसमें से एक प्रधान जो है उपाय साधन उसके लिए हम बतला रहे हैं कृष्णे तिजस ग्रीन तंग मनसात दीक्षा चेत प्रणत विश्व भजन तमीशम सुश्रया भजन विज्ञान मन निंदा शंकर याद रखो भैया यदि इतनी कथाओं को सुन करके उनके चरणों की सेवा पाने की यदि लालसा यदि हो यदि थोड़ी सी लोभ यदि हो तो फिर ये बहुत परेशानी ये लोग जिसके हृदय में हो गया वो रागन का भक्ति का अधिकारी है और नहीं झूठ मुठ के नहीं लोग होने से बहुत से उसके लक्षण है वो लक्षण के बिना वो यदि लोग कोई कहता है तो वो लोग सहज यादगार हो गए वो यथार्थ लोग उस समय स्त्री संग इत्यादि की लालसा संपूर्ण रूप से दूर हो जाएगी देहात्म अभिमान दूर हो जाएगा ओ जो भाव के जो लक्षण बतलाए गए शांति अगत्य काल ये उसमें लक्षण आ जाएंगे और जब भी नहीं आया कहते हैं कि लोभ है तो वो लोभ नहीं वो काम है इस चीज को समझा जाए इसलिए कहते हैं कृष्ण की जस ग्रीन तन मनसा जिसके मुख से कृष्ण ही थी एक बार भी कृष्ण ही उसका नाम उच्चारण हो गया तन मनसा उसको मन से आदर करो भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कोई भी हो एक बार कृष्ण 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 एक बार बस कृष्ण ही प्रभुपाद जी कहते हैं इच्छास्ति चेत यदि उसकी दीक्षा हुई हो तो और भी सोने में सुहागा हो गया ऐसे व्यक्ति का मन से आदर करो इसलिए प्रणत भीष्य भजन तमीशम और निरंतर उनका भजन करता है निरंतर कृष्ण नाम करता है ये मध्यम अधिकारी हो गया इसलिए मन से भजन करो और उनको साष्टांग प्रणाम इत्यादि परस्पर प्रणाम के द्वारा भी मध्यम अधिकारी करेगा कनिष्ठ अधिकारी के लिए उत्तम अधिकारी के लिए उपदेश नहीं है ये मध्यम अधिकारी के लिए केवल तो उनको जो कि भजन करने वाले हैं और निरंतर कृष्ण नाम करते हैं उनको प्रणत भीष्य उनको प्रणाम आदि के द्वारा भी अतः तो पहले वाला मन से उनको प्रणाम करो और साथ साथ में ये प्रणति के द्वारा भी प्रणाम के द्वारा भी करो मन के और शरीर के द्वारा भी करो दोनों और भजन तमीशम शुश्रूषया भजन विज्ञमन निंदादि सुंदर जो कि निंदारू व्यक्तियों को भी जो निंदा रहे हैं उनकी भी निंदा छोड़ दिया है और अष्टकालीय जो कृष्ण की सेवा है नाम कीर्तन है उनका चिंतन है उसमें लग गए हैं उनको निंदा करने की फुर्सत और याद ही नहीं है और न जानते हैं कि कोई निंदनीय है समय बस ये जानते हैं इसे सारी प्रकार की निंदा पश्चात्याग इत्यादि छोड़ करके दूसरों का दोष देखना भी ये बड़ा दुष्ट है ये भी दोष छोड़कर क्योंकि वो दोष हम में आ जाएगा यदि हम कहते रहे ये बेच्चा बड़ी बदमाश है ये बड़ा भारी दुष्चरित्र है तो होगा क्या वो बिजली की भांति करंट की भांति वो हमारे अंदर में आ जाएगा इसलिए ऐसा मत करो इसलिए जो निंदा इत्यादि शून्य होकर के भजन दिग्गम अनन्य मन्य अष्टकालीन लीला सेवा में उसमें लगे हुए ऐसे जो व्यक्ति हैं उनका क्या करो मन के द्वारा प्रणाम करो शरीर के द्वारा प्रणाम करो और उनका सेवा करो
ऐसे महापुरुषों की सेवा करने से सुरक्षित रहा, क्या होगा? तुम्हारी ईर्षित वस्तु जो है, जिसके प्रति तुम्हारा लोभ है, वो प्राप्त हो जाएगा। किस विषय में लोभ है? संसारिक वस्तु नहीं, यहाँ राधा जी के चरणों की सेवा विशेष करके ये बताएंगे आगे। इसलिए इस चीज को भाई याद रखो, इसके बिना हम इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। प्रमाण में जो जथा वैष्णव चिनिया आदर करीबे जबे, जो वैष्णव को समझ करके ये कनिष्ठ है, ये मध्यम है, ये मध्यम कनिष्ठ, मध्यम 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 उत्तम, और ये उत्तम कनिष्ठ, उत्तम मध्यम और उत्तम उत्तम है। ये सब विचार करके जो भजन करेगा, उनकी सेवा करेगा, क्रमशः और अधिक से अधिक रूप में उनकी तो भाई सिद्धि होगी, और नहीं तो बड़ा भारी कठिन है। कनिष्ठ को मध्यम मान लिया, उत्तम मान लिया, और उत्तम को मान लिया कनिष्ठ या मध्यम, बस चौपट हो जाएगा सब। ये सब समझ करके और भजन आप लोग करें। अभी हम लोग तुरंत ऊंचा गांव में जाएंगे। ये गोलोक में भी, वृंदावन में भी ऊंचा स्थान है, इसलिए ऊंचा गांव, और ये वहां पर भी साधारण रूप में भी और स्थानों से ऊंचा जगह में ललिता जी का जन्म स्थान या वास स्थान है, बहुत ऊंची, इसलिए उसका नाम ऊंचा गांव है। वहीं पर सखीगिरी पर्वत है, वहां पर और सब दर्शनीय ऐसे, हम भी वहां पर, हम लोग भी चलेंगे, मैं भी चलूंगा। अभी आप लोग 5 मिनट के अंदर में तैयार हो जाएंगे और वहां पर चलेंगे, हम लोग भी चलेंगे। और वहीं पर श्रीमती ललिता जी की मैया ने हम लोगों के लिए जल खाने के लिए निमंत्रण किया है, वहीं पर जल कलेवा भी होगा। हरे कृष्ण। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन ऑफ लेक्चर्स, that was to ascertain our aim and objective. But that is not all. We have to attain it, now we have to learn the process. So come to the process. For this we have to take shelter of Upadeshamrita, which is stated by Srila Rupa Goswamiji. And here Maharaj is taking a verse in which it is said that if any person utters Krishna's name only once, we should give pranam to him by our mind. And this statement is further qualified by Srila Prabhupada that it is better if he has taken initiation. So a person who has taken initiation, what? Initiation? What meaning? Not by only outwardly, inwardly. That means who has entered in our Guru Parampara from the core of his heart, but not chanting many rounds, maybe once only, we should give pranam to him by our mind. Which initiation he is asking? Harinam or Harinam? Harinam ya Puri Diksha? Harinam bhi ho gaya ho, par wo hamari parampara mein aa gaya ho to vishesh. Yahan par Diksha Asti Cheta. Diksha Asti. There are two, not two initiation. Swamiji Maharaj, only to, for Western devotees, he has to told first initiation, second initiation. But or initiation is only one initiation. If only Harinam is given, it is Harinam. And initiation, not first, second, only initiation. All kinds of offenses, unwanted things have gone away by that process. And and Siddhi Jnana has come. That is, who is Krishna? What is Krishna Tattva? Shakti Tattva, Jiva Tattva, Bhakti Tattva, all he has known. Then it is Diksha. Otherwise,
oh, one month has been given in his here, and has after 5,000 or for 1 lakh rupees has been done in festival. Oh, this is not the card. He can remain karmi only by that. No, not karmi. But if he is submission. अगर खाली नाम ले लिया और बैंड बाजा बजाया है समझा और उसके बाद में दो दिन में गिर जाता है. Well, the important point in this regard is the person who has understood our Jeev's tattva, the most important truths which are being described here, Krishna tattva, Radha tattva, and Prem tattva. One who understands may not have realized, but who has understood. This is the meaning of Diksha. And he is chanting very less numbers, maybe once only. We should pay our obeisances to him by our mind. Then the second person who is continuously chanting the name of Krishna. If a person who is continuously chanting the name of Krishna, then we should pay our obeisances physically also to him. Three categories are very categorically explained here. And third one is... So that person who's chanting maybe just once with... Oh, yes, sir. Ask me, then I will return. And I will clear. Iska Maharaji puri lambi class. In evening class, I will clear. Yeah. You should have questions? No, no. And the third person, who is free from any type of criticism. He does not criticize even those persons who are bad and who are rascal, who can be criticized. Because he is not finding faults in anyone. So persons who is on this stage, that he has stopped finding faults, and he always finds faults in himself only, such a highly situated and elevated person, one should render services to him. So in first stage, one should give obeisances in mind. In second stage, one should pay obeisances physically. And the third stage, one should render services to him. If one does like this, he will achieve his desired object very soon. And what is this desired object? Desired object is which is told to him by his parampara, and to serve Krishna, to become servitor of Krishna. This thing he will get very soon. Now Maharaj is saying, if we are serving by knowing that category and level of Vaishnava and serving them and rendering our respect and reverence to them accordingly, then only we can progress in Krishna consciousness. If we are not able to recognize their different level, then we will fall in problem. We will accept Kanishka Bhakta as Madhyam devotee, Madhyam Adhikari, and we will think Uttam Adhikari as Kanishka Adhikari, and we will pay our respects accordingly. This will smash our bhakti. We should have generate this capacity and eligibility to distinguish the levels of Vaishnava. And one who can do it, he himself is situated on Madhyam Adhikar. This Upadesh belongs to and is meant for who is situated himself on Madhyam Adhikar. This Upadesh, these instructions are not for Kanishka Adhikari. Hare Krishna. Subhananda, कहाँ गया Subhananda? ताले तुम ही सब ये जो आज के लिए सब लोग एकदम हरे कृष्ण. One point is very important which Maharaj said. I am prompted by Priyojan Prabhu. Maharaj is saying that after hearing so many Harikatha, if we just have a greed to enter into it, then
glad to have association with ladies. This is the first. And then he is saying that whatever those six symptoms have been told, in the case of Radhe 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 हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, यही है हल्सा पहाड़ी, हल्सा पहाड़ी अर्थात यही स्थान से ललिता देवी समस्त सखीगण सबके खेला धूला करते एक दिन खेलते खेलते एक स्थान से समस्त सखीगण मिले सबके राधा रानी विवाह करा ललिता देवी इस खाने विवाह सब यदि पंडाल लोग यदि लड़ेंगे तो हमें पैसा भी प्रणाली उन लोगों को नहीं देंगे। ये भी चालू करोगे पंडा में होता है कि बुद्धि वाले अच्छे बुद्धि वाले भक्त लोग कैसे हमारे वो याद राम इत्यादि का मानना होना चाहिए और यदि झगड़े रात होंगे पैसा नहीं देंगे और अपने साथ भी नहीं आएंगे यदि कोई भी साथ हुआ पैसे के लिए हमारे साथ में आते हैं। The mountain where all the gopis used to play with Krishna or among themselves, so this mountain is known as Sakhi Giri Parvat. विशेष तरह से इसके ऊपर में ऐसी शिलाएं हैं जो ऐसे देखी नहीं जाती हैं साधारण रूप में। वहां पर विचित्र विचित्र प्रकार की वहां पर शिलाएं हैं, वहां पर बड़ी बड़ी विचित्र चीजें भी देखी जाती हैं। ऑन द माउंटेन वी कैन सी सो मेनी थिंग्स विच आर वेरी वंडरफुल बट एनी फॉर्चुनेट पर्सन कैन सी those who have done some bhakti then can see otherwise no yahan par abhi dekh rahe hain isko ye lalita ji ka vivah mandap isko kehte hain it is called as mandap of vivah mandap marriage mandap of lalita ji yahan par sakhiyan phisal karke khelti thi isliye phisal pahadi bhi kehte hain अलता पहाड़ी भी कहते हैं कि कृष्ण ने ललिता जी के पैरों में अलता पहनाया था। इसके पास ही में सखी गिरि कूप है, आप लोग जानते हैं ये कहाँ है? सखी गिरि कूप शास्त्रों में तो वर्णन है, तो यहाँ पर कोई सखी गिरि कूप भी है जिससे पानी लेकर के हाँ तो यही वही है। यहाँ के लोग भी नहीं जानते हैं ये सब, यहीं से पानी भर करके लेकर के उनका विवाह इत्यादि हुआ था इसी पानी से, इसलिए सखी गुरु को यहाँ पर एक लिखा है सखी गिरी पुष्करणी भी है यहाँ पर कि वो लोग खेलते थे उसमें स्नान करते थे गैया को पानी भी पिलाते थे। कहीं पास में जरूर होगी पुष्करणी, आसपास में कहीं सरोवर है यहाँ आसपास में वो नहीं यहाँ इस आसपास में कहीं कोई होगी
अब बंद हो गई होगी या कुछ होगा, अब तो बहुत परिवर्तन हो गया है। ऊपर है बाबा पुष्करणी, उधर है पुष्करणी माने तालाब सरोवर। पुष्करणी कैसे उसके तालाब है, ऊपर बाबा की झोपड़ी है, वहाँ एक जगह। तो खैर ये सब चीजों का उल्लेख मिलता है यहाँ पर शास्त्रों में। आचार्य कब से है ये नया चीज नहीं है। ललिता विशाखा जी वहाँ पर कटोरिया बना करके उसमें उत्सव करती थी, उसका भी चिन्ह यहाँ पर है। इस तरह से ये सखीगिरी पर्वत है। हम लोगों का सौभाग्य है जो हम लोग आए हैं। वी आर सो फॉर्चुनेट दैट वी हैव कम टू दिस प्लेस। दिस इज विवाह मंडप, सखीगिरी पर्वत एंड कूप। कूप मीन्स वेल, देयर इज फ्रॉम दैट वाटर दे यूज टू मेक फेस्टिवल हियर सखी। ऑल्सो कृष्ण यूज टू कम टू फॉर काउ हर्ड हियर। एट दैट टाइम देयर वॉज अ वेरी डेंस फॉरेस्ट एवरीवेयर, ऑलवेज ग्रीन, ऑलवेज ग्रीन लाइक ग्रीन लैंड। सो नाउ वी आर नॉट सीइंग बट एवरीथिंग इज हियर बाय द मर्सी ऑफ श्रीमती राधिका एंड ललिता विशाखा। If you will touch this place, oh, you will have a very impression for her. Surely it will come. And those who have impression, they will have fame. And those who have fame, they will advance in Krishna. Gaur Premanande. Those who want to go. Charan Darshan kiye. लस्सी पीता है, पिलो बढ़िया रहेगा, फिर हो जाती है पेट में। कृष्णा वाज परफॉर्मिंग हिज पास्ट नाइन विद राधा रानी एंड सो मेनी सखी। दैट डायमंड अप्रोच टू कृष्ण एंड ही सेड, ओ कृष्ण, आई एम वेरी पुअर, आई हैव ए डॉटर, आई वांट टू गेट हिम हर मैरिड, please give me some money, give me something which is so dear and near to you, some valuable thing to me. Krishna is very rasic, very clever and so tricky also. He does not do anything straightforwardly. He said, yes, yes, I will give you the most valuable and dearer thing to me. My dearest most thing is Radharani, here she is. He did sankalp here, here you see water. Sankalp is taking vow. For taking vow, the water is used. He did sankalp here and gave Radharani to that Brahman. Now, the moment he did his vow, without asking Radharani, and Radharani came to know that he has been donated and given to Brahman, he felt very sad. If you give something, donate something to someone, then you don't own it. So Radharani thought that now I have been divided with Krishna and I will have to go with Brahman. She was very sad and unhappy. At the other side, Brahman, he was also very much
अनहैप्पी एंड वरीड। क्या कुछ बोलेंगे? तो then Brahman said, oh my god, I had already one daughter and now Krishna has given me another girl. Now I have to arrange marriage of two girls. Brahmans are always desirous of getting money. They don't know the real absolute truth. So Brahman was also unhappy and Radharani was also sad. Krishna thought, how to find out the way in between, midway. These Brahmins are always greedy for money. Okay. Then he said to the Brahmin, bring a scale. I will give gold to the amount of Radharani's weight of her body. And then you will have to give return Radharani back to me. Are you agreed? Yes. Brahmin was very much happy that he will get money. He was not happy with Radharani. He did not know this fact that Radharani is the Moon Lakshmi. Origin of all the Lakshmis. Lakshmis originated from Krishna. Therefore, Maharaj is saying that Radharani was also pleased because she came back to Krishna and Brahman went away with money. So many other sampradayas like Pallava sampradaya people, they come here and they donate gold to Brahman with the remembrance of this past time. We have also come here. In our sampradaya, we will also donate something. What will we donate? We will donate our all anathas and aparad so that we may cultivate a field of our heart in which bhakti can crop up. Or Premanande. नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हरिताय गोविंदाय नमो नमः। आई एम दैट राधारानी वाज गिफ्टेड हियर टू द ब्राह्मण, सो हाउ कैन इट बी पॉसिबल इफ राधारानी द मोस्ट डियर डियरेस्ट ऑफ हिम, हाउ कैन ही गिव हिम गिफ्ट? It is the significance of love, or it is the significance of envy? I think here that Brahmins are respected more than any.